मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि संभावित कोरोना की तीसरी लहर की पृष्ठभूमि को देखते हुए राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के लिए कोविड पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए और साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय के माध्यम से निगरानी की जानी चाहिए। ऐसा सुझाव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि उद्योग का आर्थिक चक्र कोविड काल में भी जारी रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए कि उत्पाद बाधित न हो। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र को देश के सामने एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि कोविड काल में उद्योग बिना उत्पादन बंद किए काम करते रहे। कोविड की संभावित तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए ऑक्सीजन उत्पादन भंडारण योजना के साथ साथ उद्योग श्रमिकों के बड़े पैमाने पर टीकाकरण, कड़े प्रतिबंधों के बावजूद आर्थिक चक्र शुरू रखना, कंपनी परिसर में श्रमिकों के लिए अस्थायी क्षेत्र आवास, काम के दौरान कोविड के संक्रमण को रोकने की व्यवस्था, इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टेलीविजन सिस्टम के जरिए CII के पदाधिकारियों से चर्चा की। इस ऑनलाइन बैठक में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव विकास खड़गे, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर प्रदीप व्यास, CII के पदाधिकारी उदय कोटक, निरंजन हीरानंदानी, हर्ष गोयनका, सलील पारेख, शरद महिंद्रा आदि उपस्थित थे।